दोस्तों आईपीएल 2020 खत्म होते ही बीसीसीआई आईपीएल 2021 की ऑक्शन की तैयारी करने में लग चुकी है और क्योंकि इस साल एक या फिर दो नई टीम आने वाली है तो बीसीसीआई ने यह बात लगभग कंफर्म कर चुकी है कि इस साल मेगा ऑक्शन ही देखने को मिलेगा। तो आईपीएल 2021 की ऑक्शन फॉर्मेट, ऑक्शन डेट और नई टीमों के बारे में बीसीसीआई 24 दिसंबर को एजीएम मीटिंग में अपना फाइनल डिसीजन लेने वाली है। तो दोस्तों मेगा ऑक्शन होने पर जैसे कि सभी को पता है टीमें नॉर्मल रिटेन और आरटीएम कार्ड के मदद से टोटल 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मेगा ऑक्शन में प्लेयर रिटेंशन उतना भी आसान नहीं है क्योंकि पर्स मनी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में उसी को लेकर डिस्कस करने वाला हूं कि आईपीएल 2021 की ऑक्शन से पहले सभी टीमों के पास कितना पैसा बचा हुआ है और प्लेयर्स रिटेंशन के बाद कितना पैसा बैलेंस मनी में बचेगा, नीलामी में जाने से पहले सभी टीमों को कितना पैसा मिलेगा और मेगा ऑक्शन में पर्स मनी कैसे कैलकुलेट होता है, सब कुछ पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आईपीएल के फैन है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं दो तरह का ऑक्शन आईपीएल में देखने को मिलता है, मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन। अब दोस्तों मिनी ऑक्शन का रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी होता है। हर 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन देखने को मिलता है, बीच के सीजन में मिनी ऑक्शन होता है। तो मिनी ऑक्शन में टीम अपनी मर्जी से प्लेयर रिटेन और रिलीज कर सकती है और मिनी ऑक्शन में पर्स मनी कैलकुलेट करना भी काफी ज्यादा आसान है। जी हाँ दोस्तों, मिनी ऑक्शन में लास्ट साल की नीलामी में जितना पैसा बचा है उसके साथ न्यू रिलीज प्लेयर्स की मनी अगर जोड़ देते हैं तो नया पर्स मनी बन जाता है। यानी कि मान लीजिए केकेआर टीम के पास पिछले साल 10 करोड़ रुपए बचा है और इस साल ऑक्शन से पहले केकेआर 5 प्लेयर्स को रिलीज करती है जिनका टोटल प्राइस बनता है 25 करोड़, तो नीलामी में केकेआर के पास 10+25 यानी कि 35 करोड़ रुपए रहेगा और इसी 35 करोड़ से केकेआर को नया खिलाड़ी खरीदना पड़ेगा। तो मिनी ऑक्शन की पर्स मनी कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन दोस्तों मेगा ऑक्शन के रूल्स बिल्कुल अलग है। मेगा ऑक्शन की पर्स मनी रूल्स भी आपको समझा देता हूँ। तो मेगा ऑक्शन की पर्स मनी कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझा देता हूँ। तो दोस्तों मेगा ऑक्शन होने पर पर्स मनी 0 से कैलकुलेट होता है। सभी टीमें नीलामी में हाईएस्ट 85 करोड़ तक खर्च कर सकती है। अब दोस्तों मेगा ऑक्शन में प्लेयर रिलीज के ऊपर पर्स मनी डिडक्शन फिक्स होता है, यानी कि एक रेट चार्ट बीसीसीआई द्वारा फिक्स्ड है। अगर किसी टीम 2 प्लेयर्स को रिटर्न करती है तो उनके बैलेंस से 21 करोड़ रुपए काट लिया जाएगा और अगर 3 प्लेयर्स को रिटर्न करती है तो 33 करोड़ रुपए काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर्स की प्राइस जो भी हो, अगर टीम 2 प्लेयर्स को रिटर्न करेगी तो 21 करोड़ और 3 प्लेयर्स को रिटर्न करती है तो 33 करोड़ पर्स मनी से काट लिया जाएगा। तो दोस्तों 3 प्लेयर्स का टोटल मनी जितना भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 3 प्लेयर्स का टोटल प्राइस 25 करोड़ भी होता है फिर भी 33 करोड़ ही काट लिया जाएगा। अब दोस्तों इस 3 प्लेयर्स को रिटेन करने का एक और रूल है। तो अगर किसी टीम 3 कैप प्लेयर को रिटेन करती है तो 33 करोड़ डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 3 प्लेयर्स में से 2 कैप और 1 अनकैप प्लेयर होता है तो तब 31 करोड़ काट लिया जाएगा। यानी कि 1 अनकैप प्लेयर रिटेन करने पर 2 करोड़ रुपए टीम का बच जाएगा। तो इसी 2 करोड़ बचाने के चक्कर में सभी टीमें 1 अनकैप प्लेयर को रिटेन करती है। यानी कि मान लीजिए केकेआर की टीम आंद्रे रसेल, शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करती है तो अगर वरुण चक्रवर्ती नीलामी से पहले अनकैप रहता है तो केकेआर का 31 करोड़ रुपए काट लिया जाएगा और अगर वरुण की जगह किसी कैप प्लेयर को रिटेन करती है तो 33 करोड़ रुपए डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल पर्स मनी है 85 करोड़, उनमें से 33 करोड़ अगर काट लिया जाता है तो तब नीलामी से पहले केकेआर के पास पैसा बचेगा 52 करोड़। तो इसी 52 करोड़ खर्च करके केकेआर को नीलामी में प्लेयर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी टीमों का बैलेंस पर्स इसी रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर सीएसके की टीम सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटर्न करती है तो तब 21 करोड़ डिडक्ट होगा, यानी कि सीएसके के पास नीलामी से पहले बचेगा 85 करोड़ माइनस 21 करोड़, यानी कि 64 करोड़ रुपए। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है मेगा ऑक्शन में पर्स मनी डिडक्शन का नियम। सुनने को मिला है इस साल टोटल मनी 85 करोड़ से 87 करोड़ तक भी जा सकता है। अब फिर भी एक बार आपको सभी टीमों का आईपीएल 2020 में बचे हुए पर्स मनी के बारे में बता देता हूँ। तो सीएसके टीम के पास है 15 लाख रुपए, आरसीबी टीम के पास है 6 करोड़ 40 लाख रुपए, दिल्ली टीम के पास है 9 करोड़ रुपए, मुंबई इंडियंस के पास है 1 करोड़ 95 लाख रुपए, केकेआर के पास है 8 करोड़ 50 लाख रुपए, राजस्थान टीम के पास है 14 करोड़ 75 लाख रुपए, पंजाब टीम के पास है 16 करोड़ 50 लाख रुपए और हैदराबाद टीम के पास है 10 करोड़ 10 लाख रुपए। तो मिनी ऑक्शन होने पर ये पर्स मनी काम आएगी, वरना मेगा ऑक्शन होने पर एकदम 0 से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पर्स मनी का रूल सब लोग समझ चुके हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।